हाय, दिस इज ज्ञानेश्वर, वेलकम बैक टू सूर्य अर्चना एकेडमी। मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो से आया हूं, जो कि इंडियन ब्राउन बो पे बनने वाला है। इसी बो का प्राइस डिटेल्स एंड अनबॉक्सिंग सब कुछ ये वीडियो में मिलने जा रहा है। तो इससे पहले हमने दो वीडियो बनाए थे इंडियन ब्राउन बो पे ही, जो कि डीएक्स आर्चरी से पुणे महाराष्ट्र से एक वीडियो बना था और उस पर बना था, और एक था ड्रीम्स आर्चरी भी महाराष्ट्र से ही था। पर ये वीडियो बनने वाला है ग्लोब आर्चरी इंडियन ब्राउन बो पे, जो कि कोलकाता से है। सो हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनका वीडियो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे बताने जा रहा हूँ, और सभी का प्राइस एक दिन ऐसे भी करेंगे, सब बोस का शूटिंग भी करके बताएंगे कौन सा बोस शूटिंग में बेस्ट है और कौन सा बो परफॉर्मेंस का बेस्ट है, परफॉर्मेंस में बेस्ट है। और एक क्वेश्चन भी किए थे मुझे, जो कि इंडियन राउंड का बो में सभी पार्ट का एक एक चीज का प्राइस बताइए। तो भाई हम पूरा किट खरीदते हैं, आप देखिए, आप समझिए 10 किट्स खरीद रहे हो तो एक प्राइस होगा, और इंडिविजुअली एक किट खरीदे हुए तो एक प्राइस होगा, लाइक होलसेल प्राइस होगा अलग और रिटेल प्राइस होगा अलग। तो आप एक काम कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका नंबर पोस्ट कर दूंगा, आप उनको कॉन्टेक्ट कीजिए और पूछिए क्या प्राइस है, और आपको सब डिटेल इसमें मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक गिव अवे का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है वो एक स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर देना मुझे, और मेरा इंस्टा का फॉलोअर भी होना चाहिए इसके लिए, और जो भी करता है उसमें से मैं एक को चुनूंगा और उसको ये जो भी मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो कम्प्लीट किट गिव अवे कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और चलो वीडियो देख सकते हो, अपने साथ है ग्लोब आर्चर का बोकिट, ये था ग्लोब आर्चर का बोकिट, आप यहाँ देख सकते हो। ग्लोब आर्चर ने एरो का बॉक्स भी दे चुका है, जो कि एरो होल्डर से, और देखिए पूरा कंप्लीट ब्लू फिनिश में है, और यहाँ पे आप उनका लोगो देख सकते हो, यहाँ पे ग्लोब आर्चर बोल के लिखा हुआ देख सकते हो। बैग बहुत बढ़िया है भाई, आई लाइक इट वेरी मच। आप इस तरफ एरोस रख सकते हो, इस तरफ वाटर बॉटल भी रख सकते हो, नहीं हो सकता है तो और एक भी, बस ये वाटर बॉटल के लिए ही है। और पीछे आप देख सकते हो स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबे हैं, लाइक कैरिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि एरो बॉक्स भी मिल रहे हैं साथ में, और देखते हैं ओपन करके देखते हैं एरो बॉक्स एंड सब चीज। इस पर डबल जिप है और लंबा सा जिप बैग है, इसमें आपको स्टैंड इजिली रखने के लिए हो जाएगा, और सामने जिप भी है जो कि आपके पेपर सब कुछ रखने के लिए अच्छा होगा, लाइक आप कुछ पेपर्स रख सकते हो, आपका स्कोरिंग बुक रख सकते हो, फिंगर टैप भी रख सकते हो, एवरीथिंग यू कैन प्लेस इन इट। और देखिए क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, इट इज वेरी गुड इन क्वालिटी। और मैं इसके साथ 3 क्वाइवर्स भेज चुका है डीएक ग्लोब आर्चर ने, और वो क्वाइवर्स भी बहुत बढ़िया है, ओपन करके देखते हैं कैसे है। अपना ग्लोब आर्चर का बॉक्स, आपको रिसाउंड आ रहा होगा, ये रूम में कोई नहीं है, ज्यादा सामान भी नहीं है इसलिए रिसाउंड आ रहा होगा, माफी चाहता हूँ इसके लिए। और जैसे भी ओपन कर लेते हैं अपन, यहाँ पे आपको आप देख सकते हो 3 क्वाइवर्स है, यहाँ पे आप देखिए ब्लू क्वाइवर है जो कि बो किट के साथ आएगा, और एक्स्ट्रा क्वाइवर्स मैंने पूछा था 2, और ये है आप देखिए भाई द बेस्ट क्वाइवर्स मेड इन इंडिया। जितने भी मैं बो किट देखा हूँ और जितने भी क्वाइवर्स मैं देखा हूँ उससे भी ये रिप्लेस करेगा, इवन इम्पोर्टेड क्वाइवर भी अपने डीए ग्लोब आर्चरी के सामने काम नहीं आएगा। देखिए ग्लोब आर्चरी द बेस्ट, दे मेक द बेस्ट क्वाइवर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्यूब्स, मैं आपको ओपन करके भी बताऊंगा। देखिए अब आपको ट्यूब पे भी ग्लोब आर्चरी का एम्बोस करके मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड वैसे 3 ट्यूब्स हो गए जो कि 3-3 एरोस रखने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। वैसे भी आप 4-5 एरोस भी रख सकते हो, मेरे ख्याल से 6 भी रख सकते हो, आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हो ट्यूब्स है। और आई लाइक फील्ड क्वाइवर में ये बहुत बड़ा चेंज है, बदलाव आ चुका है इंडियन आर्चरी मैन्युफैक्चरिंग में, और आई स्पेशली रिकमेंड आप ये खरीदिए और इसका ये भी देखिए, शायद आपको एक्स्ट्रा जिप और एक्स्ट्रा पाउच भी मिलेगा, यहाँ पे स्कोरिंग बुक रखने के लिए, पेन्स रखने के लिए बहुत अच्छा है। और ये जिप में देखते हैं क्या है, वाओ ब्यूटीफुल भाई, आपको क्वाइवर के साथ बेल्ट भी मिल रहा है, आप देखिए बेल्ट भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, लाइक इम्पोर्टेड का ही है, यू कैन फील इट, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, राइट। मैं देख रहा हूँ क्लिप भी बहुत अच्छा है, वेरी फास्ट क्लिपिंग, और आप साउंड भी सुन सकते हो इसका, वेरी नाइस, जो कि थोड़े किट्स के साथ क्लिप्स बहुत
अच्छे नहीं थे। प्रीवियस बॉस मैं कुछ भी ऑर्डर किया था वो बुक के क्लिप्स बहुत छोटे छोटे थे और इसका क्लिप बहुत अच्छा है। तो ये था ये एक मॉडल, और एक मॉडल है यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, ये तो सेम इट्स लाइक फेविक्स। फेविक्स को फाइवर देखता था मैं, वैसे ही है। चलो इसे भी कवर से बाहर निकाल लेते हैं। भाई बहुत बढ़िया। और यहाँ पे भी आपको पाउच देख चुका है, शायद इस पे भी होगा। यस ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको एक पाउच है, इट्स वेरी नाइस। इससे पहले तो ऐसे पाउच नहीं थे, शायद होंगे, मैंने यूज नहीं किया। मैंने फील्ड कोवर्स हिप कोवर्स यूज कर रहा था। और चलो इस सीनियर नेशनल पे ये चलेगा मेरे साथ। चलो और उसके बाद में हम चलते हैं बैग में क्या है। और आप बैग में देख सकते हो लिम्स, ये पूरे लिम्स है। मैं आपको फिर से बता दूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से कैमरा एंगल थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस हो गया होगा, अकेला हूँ, कोई कैमरामैन नहीं है साथ में। तो ये है अपने साथ स्टेबलाइजर है, या डबल कैसे दिख रहे हैं। ओके ओके, साइड बाय साइड रख चुका है इसलिए दो स्टेबलाइजर, दो लॉन्ग रॉड जैसे दिख रहे थे। बस यहाँ पे आपको शॉर्ट रॉड्स दो है और एक एक्सटेंडर है बीच में, यहाँ पे बीच में एक्सटेंडर है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो वी बार है, इसे भी ओपन कर लेते हैं अपन, देख लेते हैं बाद में। और यहाँ पे आप देखिए अपना मेन राइजर आपको दिख रहा होगा, राइट, कंप्लीटली ब्रैप करके आ चुका है। इसे भी हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करके देख लेते हैं और क्या आ चुका है किट में, हम वो भी देख लेते हैं। चेस्ट गार्ड इजंट इट आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे करके बता रहा हूँ इसलिए, आई कैन फील इट। ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई, इसे भी ओपन कर लेते हैं अभी। यस चेस्ट गार्ड आप देख सकते हो, वाओ आई लाइक इट, बहुत सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट। यस अगर आपको नहीं, देखो अंदर का बहुत सॉफ्ट है। चलो इस कभी भी मैं चेस्ट गार्ड नहीं लगा रहा था, नहीं लगा के शूट कर रहा था, अभी इस बार चेस्ट गार्ड लगाना पड़ेगा। पर ये लेफ्ट हैंड का नहीं होगा, राइट हैंड का होगा, मैं तो लेफ्ट हैंड का हूँ। चलो ये भी हो गया। और उसके बाद में स्टैंड, लगभग स्टैंड सेम, इससे पहले कोई स्टैंड देखा था मैंने डीएक्स आर्चरी का, शायद सेम वैसे ही है। पर स्टैंड का क्लिप आ चुका है निकालने रखने, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो कोई बात नहीं, इसे भी ओपन करके हम बता देंगे आपको। और फिंगर टैप, राइट, फिंगर टैप भी बहुत बढ़िया है, पर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब कोई बात नहीं, देख लेते हैं, फिंगर टैप भी आ चुका है। और उसके बाद में वाओ, ग्लोब आर्चरी ने भी बहुत अच्छा बनाया भाई। और इसे भी ओपन करके देख लेते कैसा है। है अपना आर्मगार्ड, आर्मगार्ड भी बहुत अच्छा है, येलो कलर में दे चुका है। और क्लिप सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा एंड आई लाइक इट। इससे पहले जो भी आ रहे थे वो एक तरफ ही रहता था क्लिप और उसे रखना पड़ता था, पर ये बहुत बड़ा अच्छा है, गुड। और क्या आ चुके हैं फाइनली, ये फिंगर टैब है, छोड़ दो, बता चुका हूँ। और रबर, चलो ये भी काम आ जाएगा, जो भी बिगिनर है उसके लिए बहुत बड़ा है। और कोई बात नहीं, आप जब भी आप शूटिंग के लिए जाते हो तो एक साथ में रख लेना, क्योंकि आपको एक्सरसाइज हो जाएगा ड्राई फायर के लिए, ड्राई फायर एक्सरसाइज हो जाएगा और उसके बाद में पुलिंग एक्सरसाइज हो जाएगा, वार्म अप के लिए भी बहुत बढ़िया काम आएगा आपको। और उसके बाद में हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एरोस, एरो बॉक्स ओपन करके देख लेते हैं, पहले इसे ओपन कर लेते। तो यार अगर आप पूछोगे किट का प्राइस क्या है, मैं बता दूंगा किट का प्राइस, जो कि इंडिविजुअल रेट का है वो 6500 या 7000 करीब पड़ेगा आपको, डिपेंड्स ऑन व्हाट साइज यू आर ऑर्डरिंग एंड उस पर डिपेंड करेगा कि। हर बॉक्स निकाल लेते हैं, बीच में से निकल गया था तो इसे लॉक नहीं करा, शायद मैं लॉक कर लेते हैं। और यस आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा तो टोटली यू कैन गेट 12 एरोस। देखिए भाई 12 एरोस दे चुका है 1 2 3, राइट, ये बहुत बड़ा बात है, जो कि प्रीवियस किट में हमको 3 एरोस या 6 एरोस मिलते थे, पर ग्लोब आर्चरी ने अपन के लिए टोटली 12 एरोस दे चुका है। और विथ स्पिन वेंस,
भाई नॉक्स तो बहुत बढ़िया है, आई लाइक वेरी मच। मैंने ऑर्डर कर लूंगा ग्लोब आर्चरी, कम से कम 1000 रुपये 1000 के नॉक्स तो भी ऑर्डर कर लूंगा। बहुत बढ़िया लग रहे हैं मुझे नॉक्स अल्टीमेट। या मैं आपको बताऊंगा, क्लोज व्यू भी बताऊंगा नॉक्स का। मुझे नॉक्स बहुत पसंद आए हैं और चलो देख लेते हैं। अभी अभी तो बैग में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही। ओपनिंग किट मैं यहाँ पे सब कुछ रख चुका हूँ ताकि आप क्लियर व्यू देख सको। और हम शुरू करते हैं, पहले अपने साथ आ चुका है ये बो बैग, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बो किट में ही आपको सब ये सब मिलेगा। मैं आपको एक एक करके बताऊँगा क्या क्या है। और ये है यहाँ पे एरो ट्यूब, ये भी आपको बो बैग में ही आएगा। और 12 एरोस, ये है लॉन्ग रॉड, और ये दो है अपने लिम्स लोअर एंड अपर। और उसके बाद में मेन रेजर आप देख सकते हो, और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो ये अपना स्ट्रिंग है। और वैसे हम आगे जाएंगे तो आप क्वाइवर भी देख सकते हो, सॉरी फिंगर टैप भी देख सकते हो, राइट। आपको पीछे पिंस दे चुका है, वो लगाना पड़ता है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आर्मगार्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंड भी है। और ये है एक्सटेंडेड रॉड्स एक्सटेंडेड, और यहाँ पे आप देख सकते हो वी बार, और ये दो है अपने को साइड रॉड्स और एक रबर। और वहाँ पे आप देख सकते हो ये है अपना चेस्ट गार्ड। और देखिए भाई यहाँ पे अपना ये है क्वेवर। तो भाई ये सब किट में आते हैं, और ये दो जहाँ पे मैं ये रख चुका हूँ ये किट में नहीं आएगा, ये आप सेपरेटली ख़रीदना पड़ेगा। इफ़ इन केस आपको हो सकता है तो आप ट्राई कीजिए ख़रीद के। आई रियली रिकमेंड यू टू बाई दिस, बहुत बढ़िया है, रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको, बाई कीजिए। मैंने टेस्ट भी कर चुका हूँ, बहुत अच्छे है। एंड आई वॉज़ यूजिंग दिस, मैं बहुत सालों से ये यूज़ कर रहा था ईस्टर्न वाला, पर उतना आप देखिए वो 4500 या 5000 कुछ आसपास का कॉस्ट है उसका अभी भी। उसके साथ भी बेल्ट आप सेपरेटली ख़रीदना पड़ेगा, बेल्ट आपको साथ में नहीं आएगा। पर यहाँ पे आपको बेल्ट साथ में दे रहा है अपना ग्लोब आर्चरी ने, बहुत बढ़िया काम है। अपना इंडियन आर्चरी बहुत आगे जाएगा इसके ये से, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत बढ़िया है क्वाइवर के। आप ट्यूब्स देखिए कितना क्यूट सा ये कर चुका है इन्होंने, राइट। ओके नहीं भाई वो बहुत दूसरा है, वो देखने का नहीं अपन को। चलो तो बस यहाँ पे आप जो भी है इतने सब आपको किट में मिलेगा। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।